गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो चैप्टर वन ट्यूशन आंसर्स, आई होप यू पीपल आर कंप्लीटिंग। सो हियर द चैप्टर टू, कंप्यूटर वायरस। इन दिस वी विल लर्न अबाउट वायरसेस, मेलवेयर वायरसेस के टाइप्स, ओके, हाउ वायरस एंटर्स इन आवर कंप्यूटर एंड आफ्टर एंटरिंग द कंप्यूटर व्हाट वायरस सिम्टम्स, वायरस प्रिवेंटिंग। सो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो लिसन हियर, द कंप्यूटर वायरस, इट्स योर चैप्टर टू। सी, अ वायरस इज लाइक अ प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके प्रोग्रामर होते हैं, देन दैट ओनली क्रिएटेड द वायरस। और वायरस जो है वो आपको जो भी फाइल्स हैं आपकी उनको बहुत हार्म करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। सी, कंप्यूटर्स एंड डेटा हैव बिकम द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर्स और जो आपका डेटा होता है कंप्यूटर्स में, वो है हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइफ लाइन है। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग विथ कंप्यूटर्स और डेटा, बिजनेस ऑलमोस्ट कम्स टू स्टैंड स्टिल। तो अगर आपके डेटा को, आपके जो डेटा है या आपके जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में, वो भी अगर किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो बिजनेस है वो एक टाइप से स्टैंड स्टिल हो जाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है ना। सो दिस कॉजेज अ लॉस ऑफ सेवरल आवर्स टू हार्ड वर्क एंड रिसर्च। सो कंप्यूटर वायरस रेफर्स टू अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डिसरप्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर देता है एक तरीके से। सो वायरस क्या करता है? देखिए, वायरस इन्फेक्ट्स, इरेजेस और डिस्ट्रॉयज डेटा फाइल्स। वो हमारी डेटा फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इरेज कर देता है ऑटोमेटिकली, या उनको इन्फेक्ट कर देता है जिससे कि वो करप्ट हो जाती हैं, ओपन नहीं होती हैं। सो इट एंटर्स इन द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। विदाउट और नॉलेज, विदाउट हमारी परमिशन के ही ये कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। अब कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ CD, DVD या फिर पेन ड्राइव। अगर हम किसी अदर इन्फेक्टेड सिस्टम से डेटा कॉपी कर रहे हैं हमारे जो है पोर्टेबल डिवाइसेस में, लाइक आपके हार्ड डिस्क हो या आपके पेन ड्राइव हो, CD हो, और वही सेम डेटा को आप अपने सिस्टम में कॉपी करते हैं, तो आपका जो वायरस है वो एंटर हो जाता है। इट्स लाइक अ COVID-19 के वायरस के बारे में अभी हमें जितने अवेयर हुए कि हमें लोगों से जो है दूर रहना है, है ना, और हम जो है अगर किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको वापस सैनिटाइज होना है प्रॉपरली, आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, तो वही सेम सिनेरियो जो है ना वो वायरस का कंप्यूटर के लिए होता है कि अगर आपका कंप्यूटर किसी इन्फेक्टेड डिवाइस से कनेक्टेड है या आप किसी इनसिक्योर वेबसाइट को आपके कंप्यूटर में रन कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो आपको क्या होगा? आपके कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसकी जो फाइल्स हैं, उसका जो डेटा है वो करप्ट होने लगता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर पे कोई सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो उनकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है। तो विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आपका जो वायरस है वो क्या करता है? उसको भी करप्ट कर देता है, यानी उसकी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है, देन फाइल्स जो होती हैं वो रन नहीं हो पाती प्रॉपर, तो आपका विंडोज़, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता। तो ऐसे ही यहाँ पर सारी आपको डिटेल में हर चीज़ मिल जाएगी बेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म एक्शंस। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर को एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। हाउएवर, वायरस प्रोग्राम्स मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अनडिजायर्ड अनशेड्यूल्ड टास्क। अब जो वायरस है वो भी एक टाइप का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम से आप क्या कमांड दे रहे हो? उसे अनडिजायर्ड और अनडिजायर्ड और अनशेड्यूल्ड जो है टास्क हम उसको दे देते हैं। सो नॉर्मली इट एंटर्स थ्रू एनी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस लाइक CD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। यानी हम अगर बात करें CD, पेन ड्राइव, DVD
और आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, किसी के हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं, या आप जो है ईमेल के थ्रू या इंटरनेट हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम किसी को सेंड करते हैं फाइल्स, या हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो वो हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है। तो वायरस कैन ऑल्सो एंटर इन टू अ कंप्यूटर वाइल सर्फिंग द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो भी वायरस एंटर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है वो है आपका मेलवेयर। अब मेलवेयर क्या होता है, शायद पहली बार नाम सुने हो। सी मेलवेयर इज अ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। मेलवेयर जो है वो टू वर्ड्स से मिलके बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर, है ना। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स इन टू अ कंप्यूटर एंड डैमेजेज इट विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर, बिना यूजर की नॉलेज के हमारे सिस्टम में एंटर होके ये हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है। सो मेलवेयर इज अ ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम, इट मे बी अ वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो मेलवेयर एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में डैमेज कर देता है, बिना हमारी परमिशन के एंटर होता है, और बहुत ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम है। अब मेलवेयर आपका जो है वो वायरस भी हो सकता है, उसके अलावा वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। तो ये जो है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये एक अलग से आपको जो है इनका काम है। वायरस का अपना एक काम है कि वो आपकी डेटा फाइल्स को करप्ट करेगा, आपके सिस्टम को फाइल्स को जो है डेटा को लॉस करने के लिए वो यूज़फुल है। उसके अलावा वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है और स्पाईवेयर है, ये सब भी अपने अपने एक इनके सेपरेट काम है, ऐसा समझे आप। सो मेलवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर बट ऑल्सो स्टील्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो मेलवेयर प्रोग्राम जो हैं आपके, जैसे आपके वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, है ना, ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ कंप्यूटर को हार्म नहीं करते हैं, ये आपके कंप्यूटर से डेटा को स्टील यानी कि चोरी भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने देखा हो कि मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एक कार कंपनी है और उस कार कंपनी ने एक बहुत अच्छा कार का जो है डिज़ाइन बनाया है ना, उसमें उसकी पूरी डिटेल्स हैं, ठीक। अब जो अदर कंपनीज हैं ना, वो क्या करेंगी, उस कार के डिज़ाइन को, अगर वो उनके प्रोजेक्ट को चाहती हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए, तो वो इस टाइप की जो है पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम हमारे जो भी फाइल्स हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, कंपनियां उनको कंप्यूटर में ही स्टोर करती हैं। तो कंप्यूटर से अगर वो फाइल्स उनको इजीली अवेलेबल हो जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा, उन्हें बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो उसी वजह से जो आपके स्पाईवेयर हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, है ना, वायरस हैं, ये इसी लिए काम में आते हैं। तो ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स एंड स्पाईवेयर आर सम अदर टर्म दैट आर एसोसिएटेड विद वायरस प्रोग्राम्स बट आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम वायरस प्रोग्राम्स। तो जो ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म्स है, स्पाईवेयर है, ये वायरस के साथ में ही काम करते हैं, बट वायरस जितना हार्मफुल नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन को लीक करने का काम करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं। सी सबसे पहला जो है वो है आपका बेटा वायरस। अब वायरस की सबसे पहली चीज़ तो आपको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सी द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज विटैल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो है फुल फॉर्म है। सो द एसेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट हैव नॉर्मल ऑपरेशंस एंड कैन बी हार्म्ड व्हेन वायरस स्प्रेड्स। जब वायरस हमारे सिस्टम में स्प्रेड्स होता है, फैलता है, तो आपके जो कंप्यूटर के एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे मेमोरी है, प्रोसेसिंग स्पीड है, या हमारी डेटा फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स फाइल हैं, तो वो क्या करती हैं, वो नॉर्मली काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है, और वो हार्म होने लगती हैं। तो वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब जो वर्ड आया है ना यहाँ पर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये जो वर्ड है, सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि वो अपने आप की कॉपियाँ बना लेती हैं। तो वायरस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अगर आपके सिस्टम में एंटर हुआ है तो जितनी बार आप उसको ओपन करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता रहता है ना। तो उससे क्या होता है कि एक वायरस की कॉपीज बनती रहती हैं, तो हमारे सिस्टम में वायरस की जो है क्वांटिटी वो इंक्रीज होती रहती है।
तो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंटिन्यूसली एक्सपेंड, तो सेल्फ रेप्लिकेट होता रहता है, वो अपने आप से कॉपी बनाता रहता है अपनी और कंटिन्यूसली एक्सपेंड और बढ़ता रहता है। देयर रीच बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स, तो इसकी वजह से हमारे सिस्टम की जो सब फाइल्स होती हैं, ऑल फाइल्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं। सो वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड कंटिन्यूसली एक्सपेंड देयर रीच बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। उससे क्या रिजल्ट आता है कि भाई अगर कॉपीज, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कॉपीज अगर वायरस अपनी बना रहा है कंटिन्यूसली, वो स्प्रेड हो रहा है हमारे सिस्टम में, तो हमारी कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं, हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, स्पीड स्लो हो जाती है, डेटा फाइल्स अपनी जो है लॉस्ट होने लगती हैं। सो टू अवॉइड डिटेक्शन दे आर सीक्रेटली हिडन। वायरस प्रोग्राम्स कैन रिमेन अनडिटेक्टेड एंड क्वाइटली इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वायरस प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अनडिटेक्टेड रहते हैं, क्वाइटली इनएक्टिव रहते हैं, वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल और एन इवेंट टू ट्रिगर देम। फॉर एग्जाम्पल, सम वायरस प्रोग्राम्स मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर एंड ट्रिगर ऑन अ सर्टेन डे लाइक फ्राइडे द 13th। सम वायरस आर हार्मलेस एंड डिस्प्ले सम मैसेजेस। कुछ वायरसेस तो इतने हैं कि वो सिर्फ आपके जो टाइम होता है ना उसमें चेंज कर देते हैं, और कई वायरसेस बहुत हार्मफुल होते हैं, वो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सम वायरसेस आर हार्मलेस एंड डिस्प्ले सम मैसेजेस, हाउएवर मोस्ट वायरसेस आर हार्मफुल। वायरसेस आर रिटन बाय डिस्ट्रक्टिव सोर्सेज हु जस्ट वांट टू अम्यूज देमसेल्व्स और वांट टू एक्सेस एनीवनस प्राइवेट डेटा। सो देयर ऑथर्स गिव देम फैंसी नेम्स लाइक IDS-8, सैटरडे 14, डार्क एवेंजर्स एंड फ्राइडे द 13th। ये वायरसेस के नेम्स हैं, तो जो यूज़र इनको क्रिएट करता है वो इन्हें फैंसी नेम दे देता है, और उसकी वजह से हमारे सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायरसेस की ही वजह होती है। सो वायरस की फुल फॉर्म पता हो गई आपको, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। किस टाइप से ये जो है सेल्फ रेप्लिकेट होता है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड होता रहता है हमारे सिस्टम में, और क्या क्या हार्म करता है, मेनली जो है ये फाइल्स पर और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम फाइल्स पर ही जो है अफेक्ट करता है ये, है ना। तो जो डेटा फाइल्स होती हैं, या हमारे मान लीजिए आपकी इमेजेस हैं, आपके सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, उन फाइल्स को ये करप्ट कर देता है, वो फाइल्स ओपन नहीं होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स इज़ अ सिंपल प्रोग्राम दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल एप्लीकेशन, वेयर इज इट ऑलवेज डज समथिंग डिस्ट्रक्टिव, मोस्टली डैमेजेस अ कंप्यूटर लाइक इरेजिंग द डिस्क। तो ट्रोजन हॉर्स का काम क्या हो रहा है कि ये डिस्क को इरेज करने का काम कर रहा है, आप इतना समझें। एंड इट इज़ नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और ये अपने आप से खुद की कॉपीज नहीं बनाता। A Trojan can spread only when it is copies to another system. Trojan horses कब जो है spread होता है, जब हम इसकी copy other system में करते हैं। So the name Trojan horse has been derived from the wooden horse used by the Greek army to conquer the city of Troy. A Trojan horse is usually masked to make it look interesting. For example, a piano wave file. piano.wavefile might interest a person collecting sound samples of instruments. तो ट्रोजन हॉर्स आपका जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं करता है, किसी भी सिस्टम को हार्म नहीं करता है, वो सिर्फ वहाँ उसकी जो कॉपीज हैं, उसकी जो हार्ड डिस्क है, उसको इरेज कर देता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी नहीं है। इसकी कॉपी अदर सिस्टम में, जब हम इसको कॉपी करते हैं तभी अदर सिस्टम में ये जाता है। और ये आपका जो है ग्रीक आर्मी ने निकाला था, वुडन आपका जो हॉर्स है उससे इसका नाम रखा गया है। सो ट्रोजन हॉर्स एंड वायरस और मेलवेयर में आपको यही दो चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी हम जो है वॉर्म एंड स्पाईवेयर और उसके अलावा टाइप्स ऑफ वायरसेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझ लें कि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है दैट ओनली हार्म और सिस्टम हमारे डेटा को लॉस करने का काम करता है, हमारी प्रोग्राम फाइल्स को करप्ट कर देता है, एंड
जो प्रोग्रामर है वही इसको डिज़ाइन करते हैं फॉर अ पर्पस, कि हम उसको जो है हमारे किसी भी सिस्टम से डेटा को स्टील कर लें, डेटा को करप्ट कर लें, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएं, तो इसी वजह से वायरस को क्रिएट किया जाता है। मेलवेयर, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर जो है टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इसमें जो है आपकी वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर इसी के टाइप्स हैं, इसी में आते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स और स्पाईवेयर जो हैं वो आपस में एसोसिएटेड हैं वायरस प्रोग्राम्स की, बट इनका जो काम है वो वायरस से डिफरेंट होता है। तो वायरस का काम तो क्या है कि ये सिस्टम के डेटा को, उसकी स्पीड को, उसके मेमोरी को करप्ट कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। बट जो आपका ट्रोजन हॉर्स है वो एक आपका यूज़फुल प्रोग्राम है, यूज़फुल एप्लीकेशन जो है उसको सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो हमारे डिस्क को इरेज करने का काम करता है, यानी कि आपका जो डेटा है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहता है ये कंप्यूटर में एंटर होकर, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, प्रॉपरली रीड करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।